खबर दिल्ली से है। 11 फरवरी से बीजेपी का समर्पण निधि अभियान शुरू होने जा रहा है। बूथ स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम नेता जाएंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा का इससे जुड़ा एक बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि बीजेपी ने एमपी में बूथ विस्तारक योजना को ऐतिहासिक बनाया और इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। वहीं उन्होंने आगे कहा कि समर्पण निधि का अभियान 11 फरवरी से शुरू होगा और इसके लिए वीडी शर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि कार्यकर्ता बूथ पर जाएं, इस अभियान को यशस्वी बनाएं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और ठाकरे जी जन्म शताब्दी समारोह समिति ने मध्य प्रदेश के अंदर बूथ विस्तारक योजना को बहुत जो महत्वाकांक्षी योजना थी उसको ऐतिहासिक मध्य प्रदेश के अंदर बनाया। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसी अभियान के दौरान ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर समर्पण निधि का अभियान जो कल 11 फरवरी से श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के अवसर पर जिसकी शुरुआत होने वाली है, हम सब कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधि, सभी पदाधिकारी प्रत्येक बूथ पर जाकर समर्पण निधि के अभियान में जुटेंगे। मैं सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि सभी लोग बूथों पर जाकर हम इस अभियान को यशस्वी बनाएं। चलिए, बयान आपको सुनवाया, क्या कुछ कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का, और ज़्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे इस वक्त हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी की तरफ। मनोज जी, एक तो ये कि बीजेपी इस बात के लिए जानी जाती है कि वो शांत नहीं बैठती, लगातार एक के बाद इस तरह के आयोजन जिससे कार्यकर्ताओं तक ये मैसेज जाए कि सब कुछ लाइव है, यहाँ पर ठहरने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले एक बड़ा अभियान चलाया और बड़ी सफलता के साथ चलाया और उसके बाद ठहरना नहीं है, ये संदेश शायद ये अभियान दे रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सोएब, और आप देखिए ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी ठहरने के अलावा अपने संगठन को मजबूत भी करना चाहती है, क्योंकि जन्म शताब्दी वर्ष है कुशाभाऊ ठाकरे जी का, और उस जन्म शताब्दी वर्ष पर कैसे वो कहा करते थे कि संगठन बड़े चलो, संगठन कड़े चलो, उसी लाइन पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही। कल पंडित दीनदयाल जी की जयंती है तो इस पर एक और नया कार्यक्रम, हालांकि इसकी बैठकें हो चुकी है, इसका काम भी जारी है, कल भी बैठकें हुई थी, लेकिन कल से यानी 11 तारीख से लगातार अब एक महीने कार्यक्रम चलेगा समर्पण निधि का। और एक बहुत ही बड़ा टारगेट, पहले 100 करोड़ का टारगेट रखा गया था, अब इसको बढ़ाकर 150 करोड़ का टारगेट रखा गया, लक्ष्य तय किया गया है कि समर्पण निधि के जरिए इतना पैसा एकत्रित कर लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में मध्य प्रदेश की आत्मनिर्भर हो जाए, हमें किसी से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़े, बल्कि समर्पण से हम कैसे कामों को आगे बढ़ाएं, जनसेवा के लिए पार्टी के कार्यों को, और उस पर बीजेपी बढ़ने जा रही। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डी शर्मा है और नई नए प्रयोग भी वो कर रहे हैं। आपने देखा कि बूथ विस्तार बहुत ही सफल रहा, जैसा उन्होंने भी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया, पर हमने फील्ड पर जाकर भी देखा कि बीजेपी, ये बात सच है, आपने सही कहा है कि वो रुकने वाली पार्टी नहीं है, चलती रहती है, सनेही सनेही चलती रहती है, और इसी का एक तैयारी भी है, और तैयारी के साथ कैसे हम अपने आप को आत्मनिर्भर कर लें, अब उसकी तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही। कल बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें बिस्वनाथ शर्मा प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, और बड़ी बात यह है कि 65,000 बूथों पर, हर एक बूथ पर कोई ना कोई ऐसा बड़ा पदाधिकारी होगा जो समर्पण निधि 100 रुपये से लेकर जहाँ से जितना जो होगा उसको एकत्रित करेगा और फिर अपनी ही पार्टी को आत्मनिर्भर करने की तरफ आगे बढ़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, नज़र बनाए रखिए, कल से ये बड़ा अभियान बीजेपी का शुरू होने जा रहा है। समर्पण निधि के तौर पर 150 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के 65,000 बूथों से जमा करने का लक्ष्य लेकर बीजेपी इस समर्पण निधि अभियान को शुरू करने जा रही है। बीजेपी के राजधानी भोपाल स्थित कार्यालय से इसकी विधिवत शुरुआत होगी कल यानी 11 फरवरी से। वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम की शुरुआत में हिस्सा बनेंगे।